नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरु जी के क्या विचार है। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वो होता है हमारा शयन कक्ष, यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं, वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीज रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूल कर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपनी तकिए के नीचे रख लिया तो आपके चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि स्वास्थ्य और ऐश्वर्या की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो गरीबी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए आपको हमेशा अपनी तकिए के नीचे वह चीज रखनी चाहिए जो कि वेद पुराणों के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि कैसे हमारे जीवन में कायापलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझना की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्या सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें यदि किसी एक चीज को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर ले। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन चीजों को अपनी तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रहेंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे अपनी तकिए के नीचे यदि आप सही समय पर उसे चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, तो और आप उनके लाभ से कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल करते हैं। दोस्तों, आपने कितनी बार देखा होगा कि जीवन में आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होने लगती है तो उससे पहले ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मुसीबतें आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपका कोई ना कोई ग्रह आपसे नाराज, इस कारण आपको माता लक्ष्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियां को दूर कर सकते हैं
यदि आप अपनी तकिया के नीचे कुछ छोटी छोटी सी चीज रख लेते हैं। दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कहीं पर नोट करना चाहें तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप इन चीजों को भूले ना, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपनी तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबें में मोर पंख रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए, लेकिन शायद आप लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुई सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो इस उपाय को आप अपने ग्रहण के दोष से छुटकारा अपने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आप अवश्य ही अपनी तकिया के नीचे मोरपंख को रख कर सोए। अब दूसरी जो चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है यह पूजनीय पौधा होता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो ऐसे में यदि आप तुलसी का पत्ता अपने ताकी के नीचे रखकर सोते हैं तो आपकी जीवन से नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उस पत्ते को सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, यदि आप तुलसी के एक पत्ता का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोग से बचे रहेंगे। बस इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में ना तोड़े, हमेशा दिन में तोड़े और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसकी पश्चात ही पत्ता तोड़े। और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन आप यह उपाय ना करें। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी के दिन आप यह उपाय करिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुला जाएं, आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खींचता चला आए और जब धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ की खर्चों में ना जाए, यानी कि हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे एक रुपए के सिक्के को रख कर सोना है और अगले दिन उठकर आपको ये एक रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप केवल एक रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्या थी वह सब समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से जितने भी धन संबंधी समस्याएं थी वह अचानक ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लगे तो आप किसी भी धार्मिक वास्तु को अपनी तकिए के नीचे रखकर जरूर सोए। यदि आप किसी भी धार्मिक वास्तु को अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है, तो ऐसे में यदि किसी धार्मिक वास्तु को आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी ओम का चिन्ह रख सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इससे आपका भाग्य एकदम से उदय होता है, यानी जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें थी वह सभी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें। अब पांचवी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों आपका समय तुरंत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा
क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसे स्थिति में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोए, तो यदि प्रतिदिन आप अपनी तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव को तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियां से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियां से छुटकारा पा लेते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, आप गुरु दोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपनी तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोए। इस उपाय को करनी सी आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है, जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब ये एक उपाय व्यापारी वर्ग के लिए, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करें उसमें आपको कामयाबी मिले, तो आपको क्या करना होगा, आप 21 दिन लहसुन की एक कली अपने तकिए के नीचे रखकर सोए, फिर अगली सुबह लहसुन की उस कली को फेंक देना है। यदि आपने 21 दिन का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी और धन संबंधी जितने भी परेशानी हैं आपकी जीवन में आ रही थी उन सभी परेशानियां से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब आप सभी एक बार हमारे साथ भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।